वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ बैठ जाते हो बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी बैठ जाओ। हरे कृष्ण भले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल।
माली कौन है? माली कहाँ गए भैया? इधर आ जाओ। हाँ इधर घूम करके आ जाओ। हाँ इधर इधर आ जाओ। हाँ आओ इधर आओ। डरते क्यों? हाँ देखो, हाँ देखो, जिस घर में उसको थोड़ा उधर घुमाओ, एक काम करो। हरे कृष्णा। हाँ देखो, जिस घर में संत लोग आते हैं, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, हमारा शास्त्र कहता है वो घर घर नहीं, वो घर साक्षात भगवान का धाम बन गया है। हाँ, क्या बन गया? भगवान की धाम। इसलिए ठाकुर जी स्वयं कहते मैं कहाँ पर रहता हूँ? बोले मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में मेरी कथा हो, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। हैं, और जिस घर में सत्संग कीर्तन हो, भागवत कहता है सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आ जाते हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितना है? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़। ये भागवत कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। उसी घर में 600 करोड़ अरब तीर्थ उसी घर में आ जाते हैं, उसी घर में है। और कहते ना मंगल भवन, बात मत करो, कहते मंगल भवन अमंगल हरी। जिस घर में कीर्तन हो उसी घर में किसी तरह का अमंगल नहीं रह सकता है। जितने पाप, जितने पिशाच, जितने डाकिन साकिन भूत प्रेत, जितने सब के सब, जब भगवान का कीर्तन हो, कहते इसका आवाज जितना दूर तक गूंजती है ना, वो घर का सारे पाप घर से बाहर निकल जाते हैं, वो घर भगवान की तीर्थ बन जाता है। हैं, इसलिए आप लोग भी कोशिश करो बीच बीच में हम लोगों को बुलाने के लिए अपना घर में। कभी कभी होता ना, बच्चे का बर्थडे होता है, शादी की सा अलग ग्रह होता है, हम लोग कभी कभी उल्टा पुल्टा डीजी चला करके और उल्टा पुल्टा पी पा करके गंदी गंदी पिक्चर को ऊपर हम नाचते हैं। इसलिए इसमें बच्चों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कि संत कह रहे थे, जिस बच्चे को कभी उपलक्ष्य करके अगर इतना बोतल तुड़वाओगे, बोतल तुड़वाना जानते हो, शराब पियोगे, कभी मांस अंडा फंडा खाओगे, बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा। संत कह रहे थे, अगर 100 साल उम्र रहेगा ना, उसी दिन 50 साल उम्र में उतर आएगा, क्योंकि बच्चे के उद्देश्य में तुम उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। लेकिन अगर उसके उद्देश्य में ठाकुर का कीर्तन हो, सत्संग हो, क्या होगा? उसका परमाई बढ़ जाएगी। अगर उसका जीवन में कोई पाप होगा ना, कोई अमंगल होगा, तो ठाकुर का कीर्तन में कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए घर में शादी का सालग्रह हो, बच्चे का बर्थडे हो, क्या करना? हमारे मंदिर में आना, ठीक है? मंदिर में आकर संतों को बुलाना, फिर हम लोग उसको वेद मंत्र से पढ़ करके उसका आशीर्वाद देंगे। जैसे बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, जीवन का कल्याण हो, घर भगवान का धाम बन जाए, ठीक है ना?
इसलिए मंदिर तो पास में ही है, इसलिए। और जो बच्चों के ना, जैसे सत्संग में लाए थे, बता रहे थे ना बच्चों को सत्संग में लाया करो। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरुजी थे, ध्यान देकर सुनो, ए बच्चे वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इसलिए एक समय हमारे जो बड़े गुरुजी थे, हमारे बड़े गुरुजी को एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी बच्चा बात नहीं सुनता है। बच्चा क्या नहीं करता है? अब ना घर घर में यही कहानी है, किसका बच्चा पिता की बात सुनता है? कोई बात नहीं सुनता। देखो बड़े गुरुजी क्या कहते थे, बोले बेटा रामायण पढ़े हो? बच्चों को रामायण कभी पढ़ाया है? बोले नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाया नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाया, उसका ही दुर्गति होगी। क्योंकि कहाँ पर लिखा हुआ पिता माता को आदर करनी चाहिए? रामायण में लिखा हुआ है ना, कितना प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके क्या करते थे? सबसे पहले, सबसे प्रभु जी थे कथा सुना, इसलिए सबसे पहले भगवान क्या करते, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखा कि नहीं? भगवान राम जब शयन किए हुए थे, दशरथ महाराज भगवान स्वयं राम जा करके पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। लेकिन हम तो कभी खुद पढ़े नहीं, बच्चों को रामायण पढ़ा ही नहीं। क्या दे दिया उसको? स्मार्टफोन पकड़ा दे, ले 10-20 हजार रुपया की, जिसमें उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी तो देखना, 1 साल बच्चा क्या मोबाइल में क्या रखा हुआ, 1 साल बच्चा उससे फोन खींच लो ना, रोने लग जाता है, हैं? उसको पागल है जैसे। इसलिए स्मार्टफोन पकड़ा दिया बच्चों को, ले ले जिसमें जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो चीज बच्चों को हम दे देते हैं। लेकिन कभी उसको बोलते नहीं, बेटा थोड़ा रामायण पढ़, गीता पढ़, भागवत पढ़। कोई बोलते हो? बोलो कौन बोलता है अपना बच्चे को, बेटा थोड़ा रामायण पढ़, गीता पढ़, एक माला राम भगवान का नाम करो, बताओ कौन को बोलता है? कोई बोलते हो? लेकिन देखना हमारे मुसलमान भाइयों को, देखना शुक्रवार को देखना, अपना बच्चों को जोर जबरदस्ती लेकर के मेन रोड में टोपी पहना करके, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर टोपी पहना करके रास्ता में मेन रोड में बैठा करके उसको नमाज पढ़ाता है। देखे कि नहीं बच्चों ने? देखे कि नहीं तुम लोगों ने? लेकिन कभी हिंदू भाई कभी बोलता है, बेटा तू गीता पढ़, तू रामायण पढ़ ले, कोई बोलते हो कभी बच्चे को? तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं कि? बताओ बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे? खुद कभी हरिनाम करते हो, रामायण देखते हो खुद कभी? बताओ कौन रामायण थोड़ा पढ़ता, गीता पढ़ता है? नहीं। हमारे बच्चों को पूछो कोई गीता का कोई श्लोक बोले, एक श्लोक बोले नहीं। लेकिन कौन हीरो का नाम क्या, हीरोइनी का नाम पूछ लो, सारे बच्चों को अंटस अंटस सारे बात बच्चों का आता है। क्योंकि स्वयं पिता माता ही स्वयं बिगड़े हुए हैं, स्वयं को कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं। पहला गुरु तो पिता माता है ना, कोई पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु तो माता होता है। अभी मैया जो करेगा बच्चे तो वही करेंगे। अगर दिन भर मैया टीवी देख रही है, स्मार्टफोन चला रही है, अब बच्चा देखो बच्चा क्या सीखेगा तुमसे, क्या सीख सकता है तुमसे? इसलिए अगर चाहते हो हम बड़े बनने पर, हैं, बड़े बनने पर हम बच्चे आदर करें, हमें हमारी सेवा करें, हमें पालन करें। रामायण पढ़ोगे ना, भगवान राम ने क्या किया, पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए, गए कि नहीं? अपना बच्चे को बोलो 14 साल क्या, 14 दिन के लिए पिता माता के आदेश पालन करने के लिए कहीं जाए? वो 14 दिन के लिए तो अपना मनमर्जी कहीं घूमने चले जाएगा, हनीमून मनाने चल सकता है, घूमने कहीं जा सकता है दोस्तों के साथ में। लेकिन पिता माता की बात आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा, 1 दिन भी नहीं जाएगा बच्चा, है, 1 दिन भी नहीं जाएगा बच्चा। कारण क्या है? हमारी हमारी दोष पिता माता का है। क्या दुख दोष है? हम स्वयं रामायण पढ़ते नहीं, स्वयं गीता भागवत से कोई मतलब नहीं हमारी, मतलब टीवी में दिन भर खोल कर टीवी खोल कर बैठ जाएंगे, स्मार्टफोन लेकर चलाएंगे, बच्चा जो देखेगा पिता माता का तो वही करेगा, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो आप बच्चे संस्कारी बने, हमारे बच्चे अच्छे बने, बड़े होकर श्रवण कुमार जैसे बने, पिता माता को कंधे में जैसे लेकर के श्रवण कुमार पूरा उन्होंने तीर्थ कराया, तीर्थ कराया कि नहीं? अगर आप चाहते हो बच्चे हमारी बात सुन, क्या करो, मंदिर में आया करो, क्या करो, पहले खुद आओ, बच्चे तुम्हारे पीछे भी चाहेंगे, आएंगे कि नहीं? अगर आप आओगे पहले बच्चा तभी तो उसको, चलो बेटा मंदिर में चलो। इसलिए अगर आप चाहते हो बच्चे आपके संस्कारी बन करके पिता माता के आदर करे, पिता माता की सेवा करे, ठीक है, क्या करना, आपका सब बच्चों को सब भेजाना मंदिर में। और हमारे प्रभु जी है ये आपको ये बच्चों को क्लास देंगे। ये प्रभु जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी नौकरी करते हैं, घर में बैठी करके सारे काम करते हैं। 1 लाख रुपया इनकी तनख्वाह है, 1 लाख रुपया इनकी तनख्वाह है, हैं,
इसलिए देखो ये भी पढ़ाई करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। अब यही चाहते हैं ना, हाँ बच्चों को भी सिखा रहे हैं ना, अच्छी अच्छी बात बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं तुम्हारे बच्चे अच्छे बने, उल्टा पुल्टा इस चीज़ में नहीं जाए, नहीं जा करके पढ़ाई करे, बड़े होकर के पिता माता के आधे से पालन करे, उनकी सेवा करे और प्रभु का भक्ति करे। कौन चाहते हो बच्चे ऐसे बने, हाथ उठाओ तो। सब चाहते हो ना, सब चाहते कि नहीं, चाहे ना सब चाहते हो ना। इसलिए फिर क्या करो, मंदिर में आया करो। यहाँ पर दो टाइम, सवेरे शाम को, सवेरे तो घर का काम काज होगा, कम से कम शाम को एक घंटा के लिए आओ, नहीं तो आधा घंटा के लिए भी आ जाओ। आकर ठाकुर का दर्शन करो, बच्चों को साथ में ले आओ, बच्चे ठाकुर को प्रणाम करेंगे, थोड़ी सी ठाकुर की कथा सुनाएंगे। हम कोशिश करेंगे तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, इन्हें बच्चों के लिए ये अलग क्लास देंगे, बच्चों को श्लोक सिखाएंगे, हैं बच्चों को श्लोक सिखाएंगे, बच्चों को थोड़ी सी भक्ति की बात सिखाएंगे। हाँ ठीक है ना। इसलिए आप लोग एक समय को निर्दिष्ट करो, क्या करो समय को, कोई एक हाँ साढ़े पाँच से नहीं, 5 बजे ठीक है, क्योंकि वो कीर्तन फिर्तन उसके बाद में ये हो जाता है ना। हाँ 5 बजे इनको, एक एक 5 बजे ना ये बच्चों को एक एक कोई समय, कैसे रोज तो ये आ नहीं सकते हैं, इसलिए कम से कम एक सप्ताह में एक बार आए। शनिवार शनिवार ठीक है, आज कौन सा वार हो गया, शुक्रवार हो गया ना, कल शनिवार छुट्टी रहता है ना बच्चों को, छुट्टी रहता है इसको, शाम को फ्री रहते हो ना बच्चों, इसलिए कल शुक्रवार है, ठीक है ना, कल शुक्रवार ना, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल शनिवार छुट्टी रहेगी। इसलिए जितने माताएं हैं इधर सुनो, सब माताएं ध्यान दे करके, जितने माताएं हैं, माताएं तो बच्चों को लेकर के आएंगी ना, पहले इनको दिखा दोगे फिर अपने आप आ जाएंगे। कल शनिवार है, शनिवार है, अपना बच्चों को कितने बजे, 5 बजे बच्चों को लेकर मंदिर में आना, ठाकुर को दर्शन करेंगे। वहाँ पर गिरिराज बाबा है मंदिर में, ठाकुर जगन्नाथ जी, उनको परिक्रमा करने से सारी इच्छा गिरिराज जी पूरी कर देते हैं, सब इच्छा जो मांगोगे ठाकुर जी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बच्चों को अच्छी संस्कार पड़ेगा, मंदिर परिक्रमा करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत का चौपाई भी ये आप बच्चों को याद करवाएंगे, हैं बच्चों को चौपाई को याद करवाएंगे, फिर अब बच्चे अच्छे बनेंगे। गलत रास्ता पर कई बच्चे लड़कियों के पीछे कभी पड़ेंगे नहीं, इसलिए लड़का लड़कियों के पीछे, लड़की लड़के पीछे नहीं पड़ेगा, अच्छे संस्कार ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए हाँ, और सबके सब एकादशी व्रत करेगा, ठीक है ना, एकादशी का बड़ा महिमा है, एकादशी करते हो एकादशी, और प्रभु जी बताए ना जो कुछ भोजन करो ठाकुर जी को भोग लगा करके, ठीक है, भोग लगाते कि नहीं, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे ना फिर उसमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन छूट जाए। जैसे नवरात्रि आती हैं, आप लोग प्याज लहसुन खाते हो, क्यों नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं इसलिए नहीं खाते ना, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर प्याज लहसुन खाकर नाराज कर दो, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि जो प्याज लहसुन है शास्त्र में आता है ये गो मांस से सृष्टि हुआ है, प्याज लहसुन गैया का मांस और हड्डी से। भागवत बताया जो भगवान, जब एक राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया था ठाकुर, उसको सुदर्शन चक्र से काट दिया, जहाँ पर मांस गिरा वहीं पर प्याज हुई, जहाँ पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन हुआ है, इसलिए ये राक्षस का ये मांस और हड्डी है, हैं? इसलिए ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगता है, भगवान की सेवा में। इसलिए कोशिश करना जैसे ये चीज छूट जाए, जैसे भोजन करोगे जैसे करोगे, हैं, जैसे अन्न जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, इसलिए कोशिश करना ये चीज छूट जाए, ठाकुर को भोग लगे, प्रसाद पाओ। आप स्वयं देख लेना ठाकुर जी को जो भोग लगाकर प्रसाद पाओगे, आपका मन अपने आप शांति रहेगा, मन में सुख आएगी, मन को शांति सुख मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सबके सब मंदिर में आओ, खूब खुशी में रहो, खूब आनंद में रहो, और कोशिश करना हम लोगों को घर घर में बुलाने के लिए, तुम्हारे घर घर में आएंगे, कीर्तन करेंगे, और बच्चों को ऐसे समझाया कि जैसे आज इन्होंने घर का मालिक प्रभु जी ना, पत्नी आओ ना, जैसे इन्होंने आज घर में बुलाया, आप लोग भी अपना हम चाहते हैं ना पूरा ये बढ़ो तो भगवान की धाम बन जाए, घर घर में बच्चे सुधर जाए, गलत रास्ता पर नहीं जाए, बच्चे अच्छे बने, हैं बच्चे संस्कारी बच्चे बने। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग अपना घर घर में बुलाओ, हम लोग कौन बुलाएगा, हाथ उठाओ तो, बोला हाथ उठाओ, घर में कौन बुलाएगा, डर जाते हैं कहते घर में घर में नहीं बुलाओगे, हाथ भी क्यों नहीं उठाती हो, ये डर जाते हैं, कोई पैसा की जरूरत नहीं, कुछ देने का जरूरत नहीं, बस ऐसे घर में बिछा देना, ठीक है, बिछा करके क्या करना, बस हम लोगों को बुलाओगे, ये आकर के बच्चों को सेमिनार देंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, हैं भगवान की कथा सुनाएंगे, जिसमें बच्चे संस्कारी बने, घर की कल्याण होगा, जिस घर में भगवान की कीर्तन भजन होगा उस घर तुम्हारी मंगल हो जाएगा, घर में
कल्याण हो जाएगा घर को, इसलिए सब लोग बुलाना, ठीक है? बुलाओगे कि नहीं? बुलाना सबके सब, ठीक है? हाँ, एक बार ताली बजा कर कीर्तन कर लो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि राज बाबा की जय जय श्री राधे। हाँ देखो, ये जो बच्चे हैं ना, तुम दोनों बच्चे ये सब जितने बच्चों का नाम और इनका फोन नंबर ले लो, इनको बच्चों को बुलाते रहना, ठीक है? बुलाते रहना। देखो ये दो बच्चे खड़े हो जाओ, तुम दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, दोनों बच्चे खड़े हो जाओ। देखो ये दोनों बच्चे को देख लो, ये दोनों बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, देख गले में कंठी तिलक लगाए, तुलसी कंठी दोनों के बच्चों को दो गले में, उधर घूम जाओ तो दिखा दो, इसलिए गले में देखो तुलसी कंठी। वो बच्चा छोटी भी रखा है, हैं? वो छोटी भी रखा है, पढ़ाई भी करते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं, और क्या करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, हरिनाम भी करते हैं, कथा में आते हैं, बीच बीच में कथा में आते हैं। और इनके पिता माता दोनों ही भजन करने वाले, इनके पिता माता दोनों ही भक्ति करते, पिता माता से जो संस्कार पड़ेगा ना, इसलिए पिता माता भक्ति करते हैं, इसलिए बच्चों को भी भक्ति में, बच्चों को भी भक्ति में डाले। इसलिए पहले तो भक्ति आपको करना पड़ेगा, पहला गुरु तो माँ है। पहले गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, भगवान के नाम जप करो। देखना बच्चों का स्वभाव होता है ना, छोटे छोटे बच्चे अगर आप माला जप करोगे ना, बच्चा छीन लेगा हाथ से, बोले मैया क्या कर रहे हैं, वो भी लेकर करना शुरू कर देता है ना, क्योंकि पहला गुरु तो माँ है ना, सबसे पहले ज़्यादा संस्कार माँ से पड़ती है। इसलिए अब पहले आप लोग माँ लोग बदल जाओ, ठीक है? गले में कंठी तिलक लगाओ, भजन करो, पर बच्चे अपने आप सुधरेंगे, ठीक है बच्चों? बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। कोशिश करना मंदिर में जैसे 6 बजे आरती होती है और 6:30 से लेकर 1 घंटा करके कथा होती है, हैं? मंदिर में आओ, ठीक है? मंदिर में आओ।